राजस्थान में सियासी हलचल दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अशोक गहलोत अपनी सरकार बचाने के लिए जोर लगाते नजर आ रहे हैं। इसी सिलसिले में कल दिन भर पार्टी नेताओं के साथ गहलोत की चर्चा चली और फिर देर रात राज्यपाल कलराज मिश्र को विधानसभा सत्र बुलाने का नया प्रस्ताव भेजा गया। तो इस प्रस्ताव में क्या कुछ रहा खास, इस रिपोर्ट में देखिए। राजस्थान में कांग्रेस सरकार इन दिनों कई चुनौतियों से जूझ रही है। एक तरफ कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, तो वहीं अपनों की बगावत भी अशोक गहलोत झेल रहे हैं। इसी बीच विरोधी दल भी सत्ता में आने का सपना देख रहा है, जिसे तोड़ने के लिए कांग्रेस हर संभव कोशिश कर रही है। इसके मद्देनजर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार देर रात 31 जुलाई से विधानसभा सत्र बुलाने का नया प्रस्ताव राज्यपाल कलराज मिश्र को भेजा है। सूत्रों के मुताबिक इसमें कहा गया है कि वो कोरोना पर विशेष चर्चा करना चाहते हैं और 6 बिल पेश करना चाहते हैं, इसलिए सत्र जल्द बुलाया जाए। हालांकि प्रस्ताव में बहुमत साबित करने का कोई जिक्र नहीं है। दरअसल राज्यपाल भी सरकार से ही पूछ रहे थे कि आखिर वह विधानसभा सत्र क्यों बुलाना चाहती है और उनका एजेंडा क्या है। आपको बता दें कि राजस्थान में फिलहाल टकराव की स्थिति बनी हुई है। इससे पहले शुक्रवार को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने को लेकर गहलोत खेमे के विधायकों ने राजभवन में धरना दिया था। इस दौरान राज्यपाल कलराज मिश्र ने विधायकों से बात भी की। हालांकि गहलोत गुट अभी भी विधानसभा सत्र बुलाने के लिए अड़ा हुआ है। माना जा रहा है कि अशोक गहलोत सत्र बुलाकर बिल के जरिए व्हिप जारी कर सचिन गुट के 19 विधायकों को विधानसभा अध्यक्ष से अयोग्य साबित करा देंगे और उसके बाद सदन में विधायकों की कुल संख्या कम हो जाएगी तो सरकार खुद ही बहुमत में आ जाएगी। इसके बाद ही गहलोत सरकार सदन में बहुमत साबित करेगी। देखना होगा कि इस प्रस्ताव पर राज्यपाल का क्या रुख होता है। जीबी लाइव की रिपोर्ट।